उन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। और नहीं जीते वो नोट के बल से कुर्सी हटाना चाहते हैं। क्या गया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको लेकर के मुझे लगता है अन्यथा चर्चा नहीं करनी चाहिए। हिमाचल की सियासत में आज का दिन खास, सुप्रीम कोर्ट से बागियों पर बड़ा फैसला। कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक, सीएम सुक्खू भी पहुंचे दिल्ली। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे या नहीं, इस बारे में सोमवार को सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल के उन 6 सीटों के लिए भी चुनाव शेड्यूल घोषित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस विधायकों को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इस शेड्यूल के अनुसार हिमाचल में उपचुनाव तय है, लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट भी है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट बेशक लग गया हो, लेकिन हिमाचल में अंतिम चरण में चुनाव है, इसलिए चुनाव की अधिसूचना 7 मई 2024 से शुरू होगी, इसलिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत भी इसी तारीख से होगी। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे पहले यदि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला दे दे तो उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी फीडबैक को देखते हुए हिमाचल भाजपा भी अभी उपचुनाव को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस के ये 6 बागी विधायक स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये केस जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ में लगा था और कोर्ट ने पूछा था कि ये विधायक सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इन विधायकों की ओर से जवाब एडवोकेट सत्यपाल जैन ने दिया था और उसके बाद 18 मार्च को सुनवाई के लिए खंडपीठ ने तारीख तय की थी। बागी विधायकों की तरफ से नामी वकील हरीश सालवे पहली सुनवाई में पेश नहीं हो पाए थे। गौरतलब है कि हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। ये सभी 6 सीटें कांग्रेस के बागी विधायकों की है, जिन्हें पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया था। जिन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संभावित है, उनमें सुधीर शर्मा की धर्मशाला सीट, राजेंद्र राणा की सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल की बड़सर, चैतन्य शर्मा की गगरेट, देवेंद्र भुट्टो की कुटलहड़ और रवि ठाकुर की लाहौल स्पीति सीट शामिल है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने हैं उपचुनाव। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर शर्मा की धर्मशाला सीट, राजेंद्र राणा की सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल की बड़सर, चैतन्य शर्मा की गगरेट, देवेंद्र भुट्टो की कुटलैड और रवि ठाकुर की लाहौल स्पीति सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह उपचुनाव तय होंगे। क्यों महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का रुख? हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए हुई वोटिंग में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया था। 28 फरवरी को सरकार ने जैसे तैसे विधानसभा में बजट पारित कर सत्र को एक दिन पहले ही खत्म कर दिया था। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने 29 फरवरी को 6 कांग्रेस विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे नहीं दिया तो चुनाव आयोग द्वारा घोषित शेड्यूल के अनुसार हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। यदि इस ऑर्डर पर स्टे मिल गया तो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बावजूद उपचुनाव से अभी भी बचा जा सकता है। हिमाचल में चुनाव की अधिसूचना 7 मई को जारी होगी, इसलिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत भी इसी तारीख से होगी। इसी के साथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। हाई कमान की इस बैठक में फैसला होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए किसको मैदान में उतारा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री पिछले दिन दिल्ली पहुंच गए थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ठाकुर भी दिल्ली पहुँचने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक के बाद टिकटों पर चर्चा होगी और इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही पिछड़ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जहां पर हमीरपुर से अनुराग ठाकुर एक बार फिर मैदान में है, वहीं शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है।